हेलो गाइस, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बेबी स्पैरो को फूड दे सकते हैं, किस टाइप की फूड अपने बेबी स्पैरो को फीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो फूड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये फ़िश फूड है। तो फ्रेंड्स आप जो भी फूड दें बेबी स्पैरो को उसमें प्रोटीन हाई मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो फिश फूड, डॉग फूड और कैट फूड दे सकते हैं अपने बर्ड को। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फ्रेंड्स आप सेरेलैक भी दे सकते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए आता है, तो काफ़ी अच्छा होता है बर्ड की ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें मैं अभी कुछ वाटर मिला दूंगा जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें अपने बर्ड को फीड करना है। गाइस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बर्ड्स के ऊपर, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि क्या फीड किया जाए बेबी स्पैरो को। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए रखने वाला हूँ जब तक इसमें पानी ना सोख ले पूरा अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद मैं अपने बर्ड को फीड करूँगा। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने बर्ड को वाटर एक्स्ट्रा नहीं देना है, अलग से पानी नहीं देना है, क्योंकि ये इनके सांस की नली में चले जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स जो भी आपको वाटर देना है तो आपको फूड में ही मिक्स करके देना है, जिससे कि डायरेक्ट ये इनके पेट में ही चला जाए, तो आपको अलग से नहीं देना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने बेबी स्पैरो को सामने रख लिया है, और आप देख सकते हैं कि मैं एक प्लास्टिक के हैंडल से किस तरह से खिला रहा हूँ। आप चाहें तो फ्रेंड्स स्पून का बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं इन्हें फीड करने के लिए, अगर आपके पास सिरिंज नहीं है तो। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं इस बर्ड को 7 to 8 days से फीड कर रहा हूँ सेम सी टाइप से, तो आप देख सकते हैं कितनी हैबिचुअल हो चुकी है ये मेरे साथ में, और ये बहुत ही आसानी से खा ले रही है। तो फ्रेंड्स आपको स्मॉल एक विस्लिंग करना है जिससे कि ये समझ जाए कि इसे फीडिंग किया जा रहा है, जिससे कि इस आवाज़ को पहचान ले वो। तो सेम मैं इसी मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार विस्लिंग करता हूँ, और जब वो रेडी होकर मुंह ओपन करती है अपना तो मैं उसे फिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अपने बेबी स्पैरो को फिट करना है। फ्रेंड्स बेबी स्पैरो को कितनी बार फिट किया जाए इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर फ्रेंड्स आपके पास बहुत ही छोटा बेबी स्पैरो है जिसके फेदर्स भी नहीं आए, जिसके विंग्स नहीं आए, तो फ्रेंड्स उन्हें हर 5 to 6 मिनट के अंदर में आपको फिट करना होगा। वो फ्रेंड्स आपको 2 से 3 बाइट ही इन्हें देना है, बहुत ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा फीडिंग नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इनका स्टमक जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। और फ्रेंड्स बेबी स्पैरो जितना ही छोटा होता है उसकी केयर करना उतना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बहुत ज़्यादा छोटा स्पैरो का बच्चा मिलता है तो फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें उनके नेस्ट में वापस रख दें, क्योंकि उस टाइम उनका केयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उनका केयर हम नहीं कर पाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे तरीके से फूड खिला दिया है जितना इसको अभी ज़रूरत था। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं कि इस बर्ड में काफ़ी फेदर्स हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के बर्ड के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर या 45 मिनट्स के बाद ही इनको फीडिंग ज़रूरत होती है। तो जैसे देख सकते हैं कि ऑलरेडी अभी इसका पेट भर चुका है, और फ्रेंड्स लास्ट जो हमें इसके बिक को, इसके चोंच को अच्छे से क्लियर कर लेना है, साफ़ कर देना है, क्योंकि इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा इसके में और ये हेल्दी रहेगी। आशा करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप भी इसी तरह से किसी बेबी बर्ड का जान बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।